क्या लगता है आपको, टीएमसी की जो सरकार है वो इस बार हारेगी या फिर बीजेपी कौन सी हारने के लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी उसको अच्छी टक्कर दे रही है और देगी एंड आई थिंक 55-45 में ये अंत बला तो सब बला। और जो बंगाल की हिंसात्मक राजनीति रही है 2021 में उसका अंत होने वाला है और अंत बला तो सब बला। बहुत ही पुराना मुहावरा है, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो जो सुनार की है ना, ममता बनर्जी अपनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कराई और उसी के बेस पे आज योगी आदित्यनाथ जी के कदम वहां पड़े हैं और हथौड़ा घलेगा, जोरदार हथौड़ा घलेगा बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस का पत्ता साफ। सर कल आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी बंगाल में मालदा में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं बीजेपी के लिए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ देख सकते हैं? योगी जी ने अपने प्रदेश में जो किया है वो शायद आज तक नहीं हुआ, तो इफेक्ट तो पड़ेगा उस बात का कि जो उन्होंने कहा है वहाँ पे या जो उन्होंने स्पीच दी है जो भी है। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर 100 सीटें भी नहीं ला पाएगी और अगर 100 सीटें लेके आ भी जाती है तो मैं राजनीतिकरण जो वो करते हैं काम मैं वो छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है कि प्रशांत किशोर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 135 करोड़ में एक ही आदमी के पास अकल है, बाकियों के पास नहीं है क्या? मतलब ही शुड नॉट बी गिवन मच ऑफ इम्पोर्टेंस देयर। अच्छा, तो क्या लगता है आपको टीएमसी की जो सरकार है वो इस बार हारेगी या फिर बीजेपी कौन सी हारने के लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी उसको अच्छी टक्कर दे रही है और देगी एंड आई थिंक 55-45 में। अच्छा, प्रशांत किशोर एक और बात बोल रहे हैं कि बंगाल में चाहे गुस्सा है टीएमसी को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो नहीं हार सकती, टीएमसी जो है नहीं हार पाएगी। एक शब्द बोलूं, बहुत बड़ा चेहरा है या बहुत बड़ा गुंडा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन एक ही है। तो आप कहना चाहते हैं कि टीएमसी की जो 10 साल की जो गुंडागर्दी जो चल रही थी, मतलब किसी को भी मरवा देना, जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खत्म होने वाली है? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक बार बीजेपी की सरकार आने दो, वो खत्म क्यों नहीं होगी। और अमित शाह जी ने बोला उस दिन परसों चौथ कि एक एक को निकाल के उसको जेल भेजेंगे। अच्छा, वहीं पर हम देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी भी है वो बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश के दौरे में जा रहे हैं, क्या ये इफेक्ट करेगी कि कुछ तरीके से बंगाल इलेक्शंस को? 26 और 27 मार्च को जा रहे हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर, जो उनकी स्ट्रेटजी है ठीक है, इफेक्ट करेगी मेरे ख्याल करेगी मेरे ख्याल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से कल योगी जी की रैली थी, तो क्या लगता है, क्या हम कुछ पॉजिटिव चीज़ देख सकते हैं योगी जी को, क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एक बहुत ही पुराना मुहावरा है, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो जो सुनार की है ना, ममता बनर्जी अपनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं कराई और उसी के बेस पे आज योगी आदित्यनाथ जी के कदम वहां पड़े हैं और हथौड़ा घलेगा, जोरदार हथौड़ा घलेगा बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस का पत्ता साफ। प्रशांत किशोर जो है वो ये बोल रहे हैं मैं राजनीतिक रणनीतिकरण छोड़ दूंगा अगर 100 से भी ज्यादा सीटें आ जाती हैं बीजेपी की, मतलब वो ये कहना चाहते हैं 100 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की। देखिए, एक डायरेक्टर एक फिल्म में तो हिट हो सकता है, अब वही एक ही थीम पे हर बार वो फिल्म बनाए और फिर कह के हिट कर दूंगा तो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है प्रशांत किशोर। आप अगर एक पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे होते, बीजेपी सबसे पहले उन्होंने बीजेपी का कैंपेन किया ना, सफल हुए, लेकिन बीजेपी के लिए सफल तब हुए जब बीजेपी दमदार विचारधारा की पार्टी थी। आप किसी नालायक को पकड़ के तुम कहो कि मैं इसे एक कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा तो दिन में सपने देखने जैसा है। प्रशांत किशोर जैसा नालायक आदमी मैंने नहीं देखा, जो एक चुनाव जीतने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ही भारत का बॉस बन गया तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन नीतीश कुमार का भी, उन्होंने अभी बिहार इलेक्शंस में प्रचार वगैरह किया था, उनके एनालिस्ट बने थे और वहां पर जीत गए, तो क्या लगता है, क्या टीएमसी के लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकते हैं ये प्रशांत किशोर? सुनिए, कहां से जीत गए, क्या नीतीश कुमार एक बहुमत से सरकार बना पाए? बीजेपी के सपोर्ट से ही सरकार है, गठबंधन में ही है ना। प्रशांत किशोर को तो तब मानते ना जब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती, जैसे बीजेपी ने केंद्र में बना के दिखाई। तो
मतलब क्या लगता है आपको कि 10 साल में जो टीएमसी ने जो गुंडागर्दी करी है वो कहीं ना कहीं अब टूटने वाली है, इनकी राजनीति जो पूरी तरीके से जो सत्ता है वो हटने वाली है? देखिए, अंत भला तो सब भला, और जो बंगाल की हिंसात्मक राजनीति रही है 2021 में उसका अंत होने वाला है, और अंत भला तो सब भला। योगी आदित्यनाथ ने एक और बात बोली कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है उसके बाद गौ रक्षा पर 24 घंटे के अंदर गाय की तस्करी को वो पूरी तरीके से रोक लगा देंगे, गाय की तस्करी में। हाँ, जो काम बंगाल में खुलेआम हो रहे थे हिंदू विरोधी, आज भारत बहुसंख्यक देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन बहुसंख्यक के मुताबिक क्या होता है देश में? हर प्रदेश में खुलेआम गौ हत्या हो रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन उन पर जब एक्शन की बात आती है ना कहीं प्रशासन भी इन्वॉल्व होकर उनका सपोर्ट करता है गौ तस्करों का। आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है ना उसके विरोध अगर बीजेपी सरकार आती है तो जो गौ तस्करी ना पूर्णतः बंद हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जैसे ही उनके सरकार बनती है उसके बाद टीएमसी के जो गुंडे हैं, गुंडे उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा था, जो गुंडे हैं वो भीख मांगते फिरेंगे, ये बात बोली थी। देखिए, अब उनका समय तो बीजेपी की आने वाली सरकार तय करेगी गुंडों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। जैसे शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में गुंडों का बुरा हाल कर रखा है, और योगी आदित्यनाथ जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पिछले सालों में नहीं हुआ समाजवादी बसपा की सरकारों में, वो आज योगी आदित्यनाथ जी ने 4 साल में करके दिखाया है। गुंडा आज यूपी में रहने के लिए कांप रहा है, भाग रहा है यूपी छोड़ के। तो ऐसे ही हाल बंगाल का होगा, बने तो सही सरकार बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर।